नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन मेरे पास पहुंचे हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो सभी 100% सही क्वेश्चन है। और दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताए वो आए हुए क्वेश्चन ही है, मैं कभी फर्जी क्वेश्चन नहीं डालता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो आज क्वेश्चन आए वो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेट है वो भी यहाँ पर दी हुई है, जो 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के ये सभी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन आया था, संघ लोक सेवा समिति आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया था राष्ट्रपति से संबंधित, ये क्वेश्चन था राष्ट्रपति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, हम बता देते हैं कि जो अनुच्छेद से तीन दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद आपको अच्छे से याद करने होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये था अल्कोहल एवं आयोडीन को मिलाने पर बनने वाले मिश्रण को क्या कहते हैं, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद में दोस्तों, नीचे क्वेश्चन था गैलेश्वर हिमालय की कौन सी श्रेणी में आता है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसके बाद में मैथ का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं 0.494949 की वैल्यू बतानी है, इसका वैल्यू क्या होगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, वो है 640 रुपये कोई वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, ये लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था 460 रुपये कोई वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 107 और 108 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंपालिया, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपालिया नाम की सिटी का रीनेम क्या है, क्या किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद में एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो यहाँ पर रीजनिंग का लेवल है वो काफ़ी हार्ड आ रहा है, और जो मैथ का लेवल है वो बहुत ही ईजी है, और जीके का मीडियम लेवल है। और लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जो जितने भी पारियों के एग्ज़ाम बचे हैं वो सभी विद्यार्थी वो रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करें, सीटिंग अरेंजमेंट से भी कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। और मैथ के क्वेश्चन सभी इजी पूछे जा रहे हैं, तो मैथ में आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मलबरी रेशम कपड़े कहाँ तैयार किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था एक प्रश्न पूछा गया था साधारण ब्याज में से, एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में जी के क्वेश्चन था 20 सूत्री योजना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नदियाँ हैं उनसे भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, नदियों को भी आपको देखना होगा। उसके अलावा जो साइंस के एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे, एक क्वेश्चन हमने बता दिया है, दो क्वेश्चन और थे वो याद वो अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको अनुच्छेद भी पढ़ना होगा। और दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन था वो था गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल हो पाए हैं। और दोस्तों, इतना मैं कहता हूँ जो क्वेश्चन मैंने बताए वो 100% सटीक क्वेश्चन है, एक इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सारे सारे सही क्वेश्चन मैंने बताए हैं। और दोस्तों, मैं आगे के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम बच रहे हैं वो विद्यार्थी अनुच्छेद को याद जरूर करें, और उसके अलावा जो रीजनिंग है उसको भी उसमें सीटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। और उसके अलावा मैथ इजी आ रही है, तो इसलिए ज़्यादा मैथ को डीपली नहीं पढ़ें, और थोड़ा जीके पर भी ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थे क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।